अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप हमेशा सेहत की दौलत से भी माला माल रहें, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहान है। तो इसलिए आपने जहान में रहने के लिए अपनी जान का भी ख्याल रखना है, वरना अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप समझदार हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो खैर, वापस आते हैं अपने मास्क की तरफ, जो कि टी ट्री का बना हुआ है। टी ट्री के आजकल बड़े चर्चे हैं। ये तो जो मास्क है ये ब्यूटी फार्मूलाज का है और ऑस्ट्रेलियन टी ट्री मास्क है, जो डीप क्लेंजिंग फेशियल मास्क है। तो ये आपके चेहरे से इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करता है और अनब्लॉक्स पोर्स को भी अनब्लॉक करता है, और फेस से आपके एक्सेसिव ऑयल जो है वो ज़्यादा जो आपके तेल के चश्मे आपके फेस से निकलते हैं उनको साफ़ करता है, और आपकी स्किन जो है उसको खूबसूरत बना देता है और वर्क करता है 3 मिनट के अंदर अंदर। तो ये एक 100 ml की बॉटल है, तो ये 300 तक आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर मिलेगा तो, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि टी ट्री की प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा या तो कॉस्टली होती हैं तो या फिर मिलना ही मुश्किल होती है। और आपने यूज़ कैसे करना है, आप क्लेंजिंग करनी है फेस पे, उसके बाद आपने इवनली अपने पूरे फेस पर एक जैसी लेयर में आपने इसको लगा लेना है, जैसे कि मास्क को लगाया जाता है, और फिर आपने इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि आपने 3 मिनट के लिए छोड़ना है, या फिर इससे ज़्यादा 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, और या फिर जितनी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपका फेस ख़राब हुआ हुआ है तो आप थोड़ा 6-7 मिनट के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 3 मिनट के लिए इसको छोड़ सकते हैं। और फिर आपने नीम गर्म पानी से इसको वॉश कर लेना है, और आपने अक्सर इसका यूज़ करते रहना है, जैसे जैसे आपको लगे कि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल का चश्मा जो है निकल रहा है और आपको ज़रूरत है, या पिंपल है, या एक्नी है, या स्कार्स है, कोई भी चीज़ के लिए टी ट्री ऑयल जो है वो एक ब्लेसिंग है। आप टी ट्री ऑयल को भी अप्लाई कर सकते हैं, तो टी ट्री ऑयल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूँगी मैं आपको। ये जो है जी इम्पोर्टेड ही है, यूके का बना हुआ है, और इसके भी रिज़ल्ट अच्छे हैं। ये सबसे अच्छा ये है कि आप इसको जल्दी लगा के जल्दी उतार सकते हैं, अगर आप जल्दी जल्दी अपने फेस पे ज़्यादा देर कुछ भी जो है अप्लाई नहीं करना चाहते। तो ये टी ट्री फार्मूला है, बिल्कुल नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है, और आपको बहुत सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देगा, और एंटीसेप्टिक भी है ये। इसमें क्ले बेस्ड मास्क है विद डीप क्लेंजिंग है, और आपके फेस से गंद बला जितना भी है सारा उसको दूर कर देगा, और आप फीलिंग क्लीन एंड फ्रेश करेंगे, और डर्ट तो जाएगी जाएगी। तो इसको अब हम ओपन करेंगे, तो ये इस तरह की इसकी कैप है, ओपन होगा तो फिर इसमें से आपको मास्क, ये इस तरह का मास्क मिलेगा, जो आपने क्लेंजिंग के बाद जो है आपने पूरे फेस पे ऐसे अपवर्ड अप्लाई करना है मास्क, हमेशा अपवर्ड ऐसे चेहरे से ऊपर की तरफ आपने मास्क को अप्लाई करना है। बेशक आप थोड़ी मोटी लेयर ले लें, तो पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आपने इसको 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, ऐसे आपने पूरे फेस पे लगाना है ऐसे इस तरह करके। तो आप पूरे फेस पे इसको लगाएंगे और 3 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, और 3 मिनट के बाद जो है आपने इसको नीम गर्म पानी से वॉश कर लेना है। हाँ, अब हमने आपको डेमो भी दे दिया है, उम्मीद है कि आपको सारी इसकी डिटेल समझ आ गई होगी, और 3 मिनट के बाद आप इसके जादू का असर देखेंगे कि इसके ऊपर क्या जादू हो रहा है। ये देखिए, मैंने थोड़ा जल्दी इसको साफ़ कर दिया है, लेकिन जब आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो फ़ौरन से बड़ा अच्छे इफ़ेक्ट देता है, लेकिन जब आप रेगुलर यूज़ करेंगे, आप वीक में 3 दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगर आप करना चाहते हैं। नहीं तो आप टी ट्री ऑयल किसी भी हकीम की दुकान से लेकर वो फेस पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, उसके भी बड़े अच्छे असरात आपको मिलेंगे, और एक्ने वगैरह जो है आपके फेस से दूर हो जाए।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।